समृद्धता जिन व्यक्तित्व के पास है, आदरणीय आचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी जी, पद्मश्री सम्मान से विभूषित अध्यक्ष श्री रमेश अवस्थी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय पीयूष बंका जी के साथ। या कुंदेन्तु तुषार हार धवला, को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि गोरखपुर जर्नलिस्ट क्लब के आज का कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम था और गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ने एक कार्यक्रम कराया, मुझे भी उन्होंने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और साथ में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह से गोरखपुर का एक भव्य प्रेस क्लब बनवाया और साथ में मैं उनसे अपील भी करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इस तरीके के प्रेस क्लब का निर्माण अन्य जिलों में भी कराएं। बहुत अच्छा लगा, यहाँ के प्रेस क्लब के तमाम पदाधिकारियों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह से निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, हम लोगों का जो भी सहयोग हो निरंतर उनको मिलता रहे, धन्यवाद। देखिए शपथ ग्रहण समारोह जो प्रेस क्लब की नव निर्वाचित कार्यकारिणी चुनी गई है उसका शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें मुख्य अतिथि पद्मश्री गोरखपुर के सम्मान विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी थे जो देश के माने जाने साहित्यकार हैं, हिंदी अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री रमेश अवस्थी जी ने किया जो एक समाचार पत्र समूह के ग्रुप एडिटर हैं। विशिष्ट अतिथि हमारे पूर्व अध्यक्ष पीयूष बंका जी रहे समेत और भी अन्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कोई भी प्रेस क्लब की या किसी प्रकार की कोई संस्था होती है तो उसका मूल उद्देश्य उसके अपने सदस्यों उसके परिवारों के लिए किया जाता है कि उनके बेहतरी के लिए क्या हो सकता है, साथ ही आप उनको क्या सुविधा दे सकते हैं, उनके सुख दुख में कैसे साथ खड़ा रह सकते हैं, उनको आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बना सकते हैं। तो हम लोग इस संस्था के माध्यम से हमारे जो पहले के पूर्व अध्यक्ष पूर्व कार्यकारिणी रही वह भी करती आई और हम लोग चूँकि अब अपना भवन हो गया है तो निश्चित तौर पर बेहतर यहाँ सुविधा देंगे। जिस तरह से शपथ ग्रहण आपने देखा कि किस तरह से साहित्य विधा के और पत्रकारिता के विधा के लोग थे, तो जो पत्रकारिता के मूल उद्देश्य हैं जो किसी संस्था के होने चाहिए वह हम लोग पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे साल भर में जिस तरह से पहले की कार्यकारिणी भी जिसमें मैं अध्यक्ष राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ होती रही वह भी हम लोग करेंगे। इस साल का जो सबसे महत्वपूर्ण है हम लोग रजत जयंती समारोह मनाने जा रहे हैं, इसमें जो यहाँ के पत्रकार देश भर में हैं या प्रदेश के जितने क्लब हैं और जो पत्रकार उनको यहाँ बुलाएंगे और अपने स्वर्णिम इतिहास से उनका परिचय कराएंगे, साथ ही गोरखपुर के विकास को भी दिखाएंगे किस तरह गोरखपुर बदला है।